डिफरेंस बिटवीन पीजी जॉब्स एंड केमी जॉब्स। आज का टॉपिक में बच्चों ये दोनों के बीच अंतर स्थापित करना है, कुछ समानताएं हैं उसको भी देखना है। तो एक तरफ बच्चों लिखा जाए पीजी जॉब्स, इसको फिजिकल एडजॉर्प्शन भी आप कह सकते हैं। इधर है केमी जॉर्प्शन, बीच में एक लाइन डाल दीजिए ताकि दोनों आसानी से आपको समझ में आए। चलिए पहला पॉइंट में है बच्चों, इट इज नोट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। लेकिन इधर जो है इट इज हाईली, बिल्कुल विपरीत, स्पेसिफिक इन नेचर। चलिए फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। कहता है इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर, इन नेचर। कहता है एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, है ना। लेकिन इधर जो है बच्चों इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, यानी आने का लौटने का उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, क्या है लो है यानी 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल है। लेकिन इधर इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, यानी 40 से लेकर के 400 किलो जूल पर मोल होगा। अब कहता है इट इज डिपेंड ऑन द गैस, है ना, इट इज ऑल्सो डिपेंड द गैस, नेचर ऑफ गैस भी लिख सकते हैं। अब कहता है इट कर दीजिए, इट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। इधर इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, है ना, ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया।
अब कहता है पीजी जॉर्जसन में जो फोर्स होता है वेरी वीक होता है, जिसका नाम है वंडर बॉल्स फोर्स, है ना। इसमें जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही तो है बच्चों दोनों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं। वीडियो रेगुलर देखते रहिए, कलम का स्पीड जो है बच्चों अपने आप बढ़ जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।